राम राम भी सभी को। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संदीप कंधोल एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है एंड आई केम टू यूएस 3 इयर्स अगो। ऑलमोस्ट 3 साल पहले आया था मैं। तो एक ख्वाहिश थी कि एक अच्छी गाड़ी मेरे को खरीदनी है, और पिछले 6 महीने से दिमाग में चल रहा था कि गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली आई बॉट वन न्यू कार। आपको दिखाने वाला हूं मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी है। और ये जो गाड़ी है ये फेवरेट गाड़ी है मेरी, एंड दिस कार इज द मोस्ट सक्सेसफुल कार इन अमेरिका। पिछले अगर 50 साल के हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला, जो मैंने परचेज की है अभी रिसेंटली, पिछले 50-60 साल में नंबर 1 रही है ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इससे पहले मेरे पास एक और गाड़ी जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, वो यूज्ड कार थी, निसान अल्टिमा। वो भी घर पे अभी सेल नहीं की है मैंने, वो भी रखूंगा मैं इनके सामने, इमरजेंसी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फेवरेट कार जो मैंने खरीदी है, और वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। थैंक यू। ये देखो भैया, दिस इज माई न्यू कार। दिस इज टोयोटा कैमरी LE मॉडल हाइब्रिड। एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ज्यादा रिलायबल गाड़ी है ये, सेफ्टी के लिहाज से भी। और जो इसमें फीचर्स हैं, बिल्कुल जबरदस्त फीचर्स हैं। लुक एट दिस, इज सेडान, एक्सट्रीमली पावरफुल कार। और ये गाड़ी टोयोटा कैमरी है। आपको पता होना चाहिए कि टोयोटा की जो सबसे अच्छी गाड़ियां इस धरती पे जो कंपनी बनाती है वो टोयोटा है। टोयोटा कंपनी की टैगलाइन ही क्वालिटी रिवॉल्यूशन है। मतलब जो भी चीज़ वो बनाएंगे इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली होगी कि और कोई कंपनी उसके साथ बराबरी ना कर सके। और बिल्कुल हकीकत है, कोई और कंपनी टोयोटा से ज़्यादा अच्छी गाड़ियां नहीं बना सकती। दिस इज़ द रियलिटी। तो ये मेरी ड्रीम कार थी काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 6-7 महीने से मैं सोच रहा था कि मेरे को गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है। कभी मन में आता था होंडा एकॉर्ड, और रियलिटी है कि फर्स्ट चॉइस मेरी टोयोटा कैमरी ही थी। और फाइनली वही हुआ, मैंने टोयोटा कैमरी परचेज कर लिया। लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग दिस कार इज। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है, दिस इज अराउंड $35,000 इफ यू बाय न्यू वन। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मॉडल परचेज करना चाहिए मेरे हिसाब से सभी को, यूएस में, कनाडा में, इवन इन इंडिया एज वेल, बिकॉज हाइब्रिड कार की जो माइलेज है दैट इज क्वाइट गुड। माइलेज इज मोर देन 50 mph, तो ये बहुत अच्छी माइलेज है। एंड टोयोटा कैमरी हाइब्रिड एंड होंडा एकॉर्ड, ये दोनों ही गाड़ी बहुत पावरफुल हैं। दोनों का कंपटीशन रहता है, लेकिन ऊपर रहती है टोयोटा कैमरी। आप जरूर बताना भैया आपको गाड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इसकी ड्राइविंग इतनी स्मूथ है, कंफर्टेबल है और पावरफुल है। लुक एट दिस। अभी इसकी नंबर प्लेट आई नहीं है, आपको अंदर से दिखाता हूं थोड़ी सी। है वो थोड़ी बहुत मैस्ड अप है, बिकॉज अभी 3-4 दिन हो गए मेरे को परचेज किए हुए। पीछे भी काफी अच्छा स्पेस है, लेग रूम बहुत अच्छा है, बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं पीछे, बच्चे की सीट है। एक गजब की चीज बताता हूँ आपको, ये गाड़ी देख के आपको लगा होगा कि ये ब्रांड न्यू कार है, बट आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दिस इज नॉट ए ब्रांड न्यू कार। बिल्कुल नई गाड़ी नहीं है, ये 2021 मॉडल है, पर लग बिल्कुल नई जैसी है। अंदर से नीट एंड क्लीन कार है, टायर्स बिल्कुल नए हैं। ये एजेंसी से मैंने खरीदी है, सैन फ्रांसिस्को से। और मैंने यूज्ड कार क्यों ली, इसके पीछे वजह है, इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई वी शुड नेवर बाय ए न्यू कार। क्योंकि $7,000-8,000 की एडिशनल कॉस्ट आती है इफ यू बाय ए न्यू कार। लुक एट दिस, आई बॉट इट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को एंड दिस इज द टेम्पररी प्लेट दे हैव प्रोवाइडेड मी। 2021 मॉडल है ये, लेकिन चली हुई थी सिर्फ और सिर्फ 22,000-23,000 के माइल्स चली हुई थी बस ये। तो यूज्ड कार मैंने परचेज क्यों की, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि यूज्ड कार में कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो नहीं लगते, वो सिर्फ न्यू कार पे लगते हैं। जैसे फेडरल टैक्स है, $4,000-5,000 का डिलीवरी चार्जेस हैं, $3,000-4,000 के, तो $7,000-8,000 का डिफरेंस सीधा आ जाता है। जैसे अगर चाहे वो 1 महीना पुरानी गाड़ी क्यों ना हो,
तो आप उसी गाड़ी के लिए आप $7,000-$8,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे। समझदारी की बात तो यह है कि आप यूज्ड कार ले लें, गाड़ी वही है, चीज वही है, इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं। तो दैट इज द रीजन आई बोट ए यूज्ड कार। दिस इज जस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू, कुछ भी इसमें पुराना नहीं है और मुझे बिल्कुल पसंद आई ये गाड़ी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और यूज्ड कार क्यों खरीदनी चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रांड न्यू कार, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरी रिसर्च करके। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि एक्सपेंस है, उसके अलावा क्या क्या रीजन है वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप बताओ मुझे, और मेरी जो इसको खरीदने की जो कॉस्ट आई है, दैट इज टोटल कॉस्ट इज $28,000। पूरे $28,000 मुझे लगे हैं, $25,000 इसकी कॉस्ट थी, एंड उसके ऊपर जो स्टेट का टैक्स होता है, इंश्योरेंस होती है, गैप इंश्योरेंस इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, वो $900 चार्ज करते हैं, उसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज नहीं था। तो $28,000 में मेरे को ये गाड़ी पड़ी है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील थी। आपको क्या लगता है, आपको कैसी लगी गाड़ी और कॉस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।